सतना जिले के अमर पाटन के ग्राम गोरा निवासी सरोज का पति बिजली बिल नहीं भर पाया था तो बिजली विभाग द्वारा उसके घर लगा बिजली कनेक्शन वर्ष 2015 के अगस्त माह में ही काट दिया था। कनेक्शन काटे जाने के बाद भी इस परिवार को प्रति माह बिजली का बिल दिया जाता रहा, जिसकी राशि 16,000 से अधिक की बकाया हो गई। तो बिजली विभाग के जेई सुनील गहरवार ने बगैर किसी सूचना और नोटिस दिए सरोज के घर पहुंच उज्जवल योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर को जब्त कर लिया। अब इस परिवार को लकड़ी खरीद कर चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। बिजली विभाग की मनमानी की शिकायत सरोज और उसके पति ने थाना अमरपाटन और विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता सुभाष नागेश्वर से भी की, जिसमें उनके द्वारा यह माना गया कि बिजली बिल बकाया था, इसीलिए सिलेंडर जब्त किया। उन्होंने बताया कि बिजली कनेक्शन 15 दिन पहले काटा गया है, न कि वर्ष 2015 में। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जाती है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। सतना से उत्तम पांडेय की रिपोर्ट। 35,339 रुपया अभी भी बिल आ रहा है। साहब पूछे यही चाहते कि साहब काटे गए थे बिल, तो भाई कहीं ना है, अब बिल बराबर आ रहा। सिलेंडर ले गए साहब, आप मलकी नहीं थी घर में, खाना चढ़ा था तो बच्चा चढ़ाएगा खाना, फेंक के ऊपर ऊपर सिलेंडर ले गए निकाल के, हमको गाड़ी गुप्ता किए और जो है इसका कौन से सिलेंडर के पास भरा रहा अटैची में सोना होना उसको डब्बा ले गए। सिलेंडर ले गए हैं तो सिलेंडर क्यों ले गए, बस वो बाकी दूसरा सामान ले जाते सर, इसे जो तो फिर उसका सिलेंडर तो सर लिया है ना, इसलिए मैं आया हूँ। तो पैसा जमा करवा दीजिए ना भैया। मैं क्यों करवा, मैं तो प्रेस से आया, प्रेस से मैं तो खबर बनाने के उस उद्देश्य से आया। तो बता दीजिए कि बिजली के बिल बाकी है तो इसलिए जो है कुर्की कार्रवाई हुई है, कुर्की कार्रवाई की गई। आप ये चीज बता रहे हैं, आप गए ही नहीं उसके वहां जाके, आप वहां जाके पूछिए ना भाई, मैं आपके पास आऊंगा, मैं कुछ कहूंगा। आप उसके गांव जाइए और उनसे पूछे कि कब से इनकी लाइन कटी है और ये कहां से चला रहा है। 2015 से बोल रहा है, उसने बोला ना, उसने वो शिकायत भी कर रहा है, कहीं वो आवेदन टाइप करवाया। आप जो है वहां जाइए ना, कहां गांव में, वो गांव में जाइए उससे पूछिए, तब आपको हकीकत पता चलेगी। उसका सिलेंडर उठा के लाए तो उसका क्या करेंगे सर, वो तो वापस हो जाएगा ना भाई, कहते रहो पैसे पैसे जमा करेगा तब वापस हो जाएगा। हम तो अभी वापस कर देंगे, हमने सुबह फोन कर दिए जय को, उसको वापस कर दो करके।